मध्य प्रदेश में आम विधानसभा चुनाव 2023 आने में भले ही एक साल का वक्त है, लेकिन पार्टी और दावेदारों ने कमर कस ली है और जमीनी स्तर पर अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने की पूरी तैयारी कर ली है। कई विधायक और मंत्रियों के द्वारा धार्मिक अनुष्ठान, भागवत कथा और चर्चित कथावाचकों और संतों के कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं और इसी के माध्यम से लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में पोहरी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक और शिवराज सरकार के PWD राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा के बेटे जीतू राठखेड़ा पोहरी में क्रिकेट महाकुंभ का आयोजन करने जा रहे हैं। आज इस क्रिकेट प्रचार रथ को राज्य मंत्री सुरेश ठाकर राठखेड़ा में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो पोहरी विधानसभा के गांव गांव जाकर प्रचार प्रसार करेगा, जिसमें कार्यक्रम के अंतिम दिन केंद्रीय मंत्री के सुपुत्र महान आर्यमन सिंधिया मुख्य अतिथि होंगे। राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ के बेटे जीतू राठखेड़ा ने एक वीडियो जारी कर कहा कि आप सभी को ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि पोहरी विधानसभा के युवा साथियों द्वारा दिनांक 20 दिसंबर 2022 मंगलवार से कै माधव राव सिंधिया जी की स्मृति में कॉलेज ग्राउंड पोहरी में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रचार रथ को नारियल फोड़कर शुरुआत की है, क्या कार्यक्रम रहेगा, क्या है? सबसे पहले तो मैं युवा टीम को बहुत बहुत मेरी ओर से, परिवार की ओर से और भाजपा परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। पौरी में नित्य नए विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया जा रहा, उसी तरह पर युवाओं का जोश है, युवाओं की ललक थी। युवाओं ने मेरे से आके आग्रह किया, मैं दिल्ली जाके श्रीमंत महाराज साहब से आग्रह किया कि महाराज साहब पौरी की युवा टीम क्रिकेट टूर्नामेंट कराना चाह रही है और परमिशन चाहती है कि युवराज महाराज हमारे यहाँ। युवाओं की धड़कनों को समझते हुए श्रीमंत महाराज साहब ने तत्काल युवराज महाराज की पौरी आने की स्वीकृति दी है। 28 तारीख को भव्य कार्यक्रम युवा साथी युवराज महाराज का करेंगे। मैं और मेरे परिवार भाजपा की ओर से युवा टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय हिंद, जय भारत।